हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में आपको लाइटरूम में फ़ोटो रिटच करना और फेस को स्मूथ करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले अपन फेस स्मूथ कर लेते हैं। फेस स्मूथ करने के लिए अपन यूज़ करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक। तो शेयर में जाएंगे, स्केचबुक में इस फ़ोटो को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फ़ोटो को लोड होने दो। यहाँ पे ये वाला ब्रश सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे। फ्लो इतना रखना आपको और ये इतना रखना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको फेस पे जूम करना है, फिर यहाँ पे हल्का हल्का सा चलाना है ब्रश को, ठीक है। तो मैं स्मूथ कर लेता हूँ। आपको अच्छे से करना है इसको आराम से, ताकि फेस बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो सके। हाँ तो कुछ अच्छे से स्मूथ कर लेते अपन। इसके बाद फोटो हम यहाँ से सेव करेंगे, शेयर में जाएंगे, सेव टू डिवाइस करेंगे। इसके बाद फोटो को अपन लाइट रूम में ओपन करेंगे। तो लाइट रूम में चलते, चलो। तो हम आ गए अपने लाइट रूम के अंदर। तो फोटो को अपन सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सेटिंग्स को एडजस्ट कर लेंगे। अपन लाइट में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ा लेंगे, हाइलाइट्स कम कर लेंगे, शेडोज़ बढ़ा देंगे और वाइट्स को, शेडोज़ बढ़ा देंगे, वाइट्स को थोड़ा कम, थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। ब्लैक्स बढ़ा देंगे, फिर इसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे थोड़ा सा। फिर मिक्स में जाएंगे, सेकंड वाला कलर चूज़ करेंगे, सेचुरेशन कम कर देंगे इसका, ल्यूमिनेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर ग्रीन कलर को बिल्कुल डाउन कर देंगे, येलो कलर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको डाउन कर देंगे पूरा। ब्लू कलर को थोड़ा हल्का सा डाउन करेंगे, डन कर दिया। वाइब्रेंस बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, क्लियरिटी बढ़ा लेंगे इसको थोड़ा कम, नॉइस रेडिएशन 10% पर, ठीक है। अब अपन फेस को थोड़ा ब्राइट करते हैं, गोरा करते हैं। इसके लिए जूम करेंगे, यहाँ पे हल्का हल्का सा घुमाएंगे इसको, बाद बन जाएंगे लाइट के अंदर, हाइलाइट्स बढ़ा देंगे इसका, शेडोज बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट कम कर देंगे थोड़ा सा, वाइट्स, ठीक है, ब्लैक्स बढ़ा देंगे। ओके डन, ये हमारी फोटो हो चुकी है एडिट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।